इसमें कंप्लीट द रिएक्शन है, मैं रिएजेंट लिखूंगा फर्स्ट और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स C6H5 COO का होल ट्वाइस। पहला क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर कोई रूल आपको आ रहा है कि अच्छा इसमें ये रूल लग रहा है तो आप उसे भी लिखो, उससे याद होती है जल्दी चीजें। और यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रूल के और जो नेम रिएक्शन है उसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकेंड इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl गिब्स, ये सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन इज CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये थर्ड रिएक्शन CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 गिब्स, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थर्ड हो गई है। फोर्थ वन इज CH3 CH2 Cl प्लस NaI गिब्स, और यहाँ पे है एसीटोन एसीटोन। ये फोर्थ क्वेश्चन। तो लिख लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिब्स C6H5 CO की प्रेजेंस में होगा। सेकेंड है CH3 CH2, कोई रूल लग रहा है तो उसे रूल लिखना है, नेम रिएक्शन है उसे नेम रिएक्शन को लिखना है, इससे याद हो जाएगा। और ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं रूल्स के और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो इसीलिए। लेकिन अप्लाइड बेस्ड डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली आता है। यहां तक हो गया। आंसर को बाद में लिख लेना, नहीं तो पहले क्वेश्चन ही लिख लो। ये हर एक टाइप के क्वेश्चन है और इसमें दिमाग लगाना है आपने, क्योंकि दिमाग लगाओगे तभी सेकंड स्टेप में आप पहुंच पाओगे और थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में जाते जाते आपको पूरा लर्न हो जाएगा ये चैप्टर, अगर आपने अपने दिमाग से यूज किया तो। डन, आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके,
तो ये लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसमें ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका, ताकि ये रहे आपके पास। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है कि फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये आपके पास रहेगा क्वेश्चन। अब देखो सेकंड और क्वेश्चन करते हम लोग, फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में आएगा यहाँ पे CH3, CH2, CH, यहाँ पे लिख दिया मैंने Br, और यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। प्लस एक्वस, AQUEOUS, एक्वस NaOH, अब क्या बनेगा। सिक्स CH3, CH2, CH, और यहाँ पे CL, CH3, प्लस एल्कोहलिक। एल्कोहलिक को शॉर्ट में ALC लिखते हैं, तो बुक में यही लिखा होता है, तो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ एल्कोहलिक है, और ये आंसर क्वेश्चन में लिखा होगा तो ALC लिखा होगा, मतलब एल्कोहलिक। NaOH गिब्स, सेवन OH, रिंग नहीं है, बेंजीनिंग नहीं है, ये साइक्लिक रिंग है केवल, यहाँ पे OH लगा है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने SOCl2, तो क्या बनेगा। हर एक क्वेश्चन है जो एक कॉन्सेप्ट बेस पे, डन। चलो आगे बताते हैं। अब फाइव में क्वेश्चन के बाद क्या लिखा है, फाइव में है देखो CH3, CH2, CH, Br, CH3, फिर एक्वस। एक्वस ए क्यू लिखा रहता है, जब आपको क्वेश्चन में करोगे ना तो ये मैंने आपको बाहर दिखा दिया, लेकिन बुक में कैसे लिखा होगा देखो, ये लिखा होगा NaOH, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा ए क्यू, ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखा होता है ए क्यू, तो इसका मतलब वो एक्वस में है। और एल्कोहलिक होता तो ऐसे भी दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक का अलग रोल है और एक्वस का अलग रोल है, दोनों के आंसर में डिफरेंस आता है, कौन सा रोल किसके साथ लगेगा ये ध्यान रखना आपने। ये एल्कोहलिक है NaOH, कंप्लीट द रिएक्शन से दो चीज क्लियर होती है, एक उसके रूल्स, जो भी हम रूल्स लिखते हैं वो रूल्स को अप्लाई करना मेन है। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एट क्वेश्चन।
बी आर लगा है यहाँ पे, सॉरी इसमें एट में 1 2 3 4 यहाँ पे लगा है ओ एच, बाकी सी एस थ्री सी एस टू और ये सी एस थ्री प्लस पी सी एल फाइव, तो क्या बनेगा? नेक्स्ट है सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, सॉरी इसमें भी ओ एच कर दो, ओ एच प्लस पी सी एल थ्री, तो क्या बनेगा? नेक्स्ट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच सी एल इन प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, ये कंसंट्रेट है, ये एनहाइड्रस है, तो इसमें क्या बनेगा? इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम करते हैं डिफरेंशिएट वाला, आपको करना है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फर्स्ट है 1 2 3 4 और इसमें ये हो गया ओ एच, ये पहला है, इसे कहते हैं ब्यूटेनॉल। सेकेंड इज 1 2 3 4 यहाँ पे ओ एच लग गया, इसे कहेंगे ब्यूटेन टू ऑल, और एक है इसमें 1 2 3 यहाँ पे ओ एच लग गया, यहाँ पे सी एस थ्री लग गया, सी एस थ्री सी एस थ्री, इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? यानी आपके पास तीन चीज आ गई, तो आपको पता कैसे चलेगा एक कौन सी चीज क्या है? केमिकल डिस्टिंग्विश करना आपको इनके बीच में, ब्यूटेनॉल ब्यूटेन टू ऑल एंड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो इसको डिफ्रेंशिएट। एक क्वेश्चन ये भी आता है, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें जिसमें केमिकल डिस्टिंग्विश होता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा केमिकल डिस्टिंग्विश का। तो आप इसे केमिकली कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ब्यूटेनॉल को ब्यूटेन टू ऑल को एंड प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल।
हुआ ये? यस सर, लिख लियो। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है, ये पता है ना आपको किस कौन सा रिएजेंट है जिससे हमने इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है? केमिकली डिफ्रेंशिएट है तो किस मेथड से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? 12 ये लिख दिया आपने, CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिर क्या बनेगा? नेक्स्ट वन इज CH3, CH2, CS2, Cl प्लस H2O एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट इज CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो मैं आपको यहाँ पे डैश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है? यहाँ पे क्या आना चाहिए कि इसका जो प्रोडक्ट है, चलो मैं लिख देता हूँ इसे, इसमें करेंगे हम H, ट्वेल्थ में है, कैटलिस्ट नहीं है वो, लाइट है, ये लाइट की प्रेजेंस है। एच न्यू जो है वो लाइट के लिए यूज होता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट में ये क्या रिएक्शन देगा? अब यहाँ पे मैंने लिखा HCl, ठीक है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, फिर HCl, फिर क्या बनेगा? ठीक है, HCl फिर क्या बनता है? ये दो प्रोडक्ट बनेंगे इस पे कंटिन्यूअस में, ये तो 12 में है CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH2, Cl प्लस H2O लो टेम्परेचर में। नेक्स्ट है CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, तो क्या देगा? और फिर HCl ऐड कर दिया, फिर क्या बनेगा? मिनट इसे फिर से रिज्वाइन करना, इतना लिख लिया आप लोगों ने, इसे रिज्वाइन करना फिर से दोबारा। अच्छा आ गई, चलो फिर से कर लो, कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लो इससे।